कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का नया बयान, कहा कनाडा सबूत साझा करे तो करेंगे विचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा से आरोपों पर मांगा पुख्ता सबूत, बोले कनाडा में अपराधियों को मिल रहा संरक्षण। निजर हत्याकांड पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा कनाडा में चल रहा संगठित अपराध। कनाडा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का आरोप, कहा कनाडा में कई संगठित अपराध का हमने दिया सबूत, लेकिन पीएम ट्रूडो ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले कूटनीति बातचीत से तनाव हो सकता है कम। एस जयशंकर ने बिना नाम लिए कनाडा पर हमला बोला, कहा राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत बात है। यूएन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा संप्रभुता का सम्मान जरूरी, कुछ देश एजेंडा नहीं चला सकते। यूएनजीए में कनाडा के प्रतिनिधि बॉब रे का बयान, कहा हम विदेशी दखलंदाजी से चिंतित हैं। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा ने दिया इस्तीफा, संसद में की थी पूर्व नाजी सैनिक की तारीफ। देश के कई राज्यों में एनआईए के छापे, यूपी दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान समेत देश में 50 जगहों पर रेड, आतंकी गैंगस्टर और खालिस्तान कनेक्शन को लेकर चल रही छापेमारी। न्यूयॉर्क में भारत चीन संबंधों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हमारे चीन के साथ कभी आसान रिश्ते नहीं रहे, हमेशा समस्याएं ही रही। खालिस्तानी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई की है तैयारी, खालिस्तानियों से जुड़े एनजीओ पर होगा एक्शन। आतंक के खिलाफ मोदी सरकार का एक्शन प्लान तैयार, जल्द एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होंगे बॉर्डर। अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह का बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ सरकार सख्त, जल्द सरहद पर रुकेगी घुसपैठ। इंटरनेट पर एक्टिव आतंकियों पर कसेगा शिकंजा, जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली सोशल मीडिया साइटों की सीधी एक्सेस। यूपी एटीएस ने लखनऊ से आईएसआई जासूस को किया गिरफ्तार, भारतीय सेना की खुफिया जानकारी शेयर करने का आरोप। इसरो का अब शुक्र ग्रह का अध्ययन करने की तैयारी, मंगल पर अंतरिक्ष यान उतारने का प्लान, इसरो प्रमुख ने दी अगले मिशन की जानकारी। 4 दिन के भीतर मणिपुर में फिर इंटरनेट पर लगी रोक, 5 दिन के लिए बंद की गई सेवा, करीब 5 महीने बाद शनिवार को शुरू हुआ था इंटरनेट। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या की खबर के बाद तनाव, छात्रों के आंदोलन के बाद 29 सितंबर पर स्कूल कॉलेज बंद। हिंसा के बीच मणिपुर जाएंगे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर, हालातों की लेंगे जानकारी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का 2रा दिन आज, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गुजरात को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी देंगे सौगात, 4,500 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। अहमदाबाद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि महिला आरक्षण रक्षाबंधन का गिफ्ट है, सपना साकार हुआ। नारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में खुली जीप से पहुंचे पीएम, महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक, भ्रष्टाचारियों को जेल से कुछ लोगों को परेशानी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा मुझ पर लोगों को जेल भेजने का आरोप। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में पीएम मोदी का युवाओं से दावा है, कहा भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में लाकर रहूंगा। आज एमपी दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में होंगी शामिल। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी समय तय, 15 से 24 जनवरी तक होगा अनुष्ठान इसका। राम मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर, मुख्य पुजारी से भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक की मुलाकात। राहुल गांधी पर बीएसपी नेता आलोक कुमार का तंज, कहा कि राहुल अयोध्या जाएं तो उनका भला हो जाए। आज एमपी दौरे पर जाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, रीवा में एसपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। उदयनिधि स्टालिन और डीएमके सांसद इराजा के खिलाफ एफआईआर की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, इसकी सनातन धर्म पर दिया था विवादित बयान। स्पेन की यात्रा पर गई सीएम ममता पर अधीर रंजन चौधरी का सीधा अटैक, कहा पश्चिम बंगाल में डेंगू संकट, दीदी की देर।
पीएम मोदी को 50 लाख लेटर भेजेगी बंगाल टीएमसी। मनरेगा फंड न दिए जाने के विरोध में ये पत्र भेजेंगी। 15,000 करोड़ रोकने का आरोप है केंद्र पर। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार पर भड़के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, कहा मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण का ना होना महिला अधिकार का हनन। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी, नेत्रा V4 प्रो ड्रोन और स्विच ड्रोन की आई तस्वीर सामने। भोपाल में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शोभा यात्रा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल पहुंची। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे एक्टर आमिर खान, गणपति पूजा में हुए शामिल। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के मंदिर में लगी लोगों की भारी भीड़, भगवान गणेश की प्रतिमा पर 56,000 लड्डुओं का भोग लगा। एमपी के दतिया में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, कुंड में डूबे 8 बच्चे, हादसे में 4 की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती। आगरा में अवैध कॉलोनीज पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनीज ध्वस्त, अवैध निर्माणकर्ताओं में मचा हड़कंप। आगरा में चंबल नदी के बीच यात्रियों से भरा स्टीमर पुल के पिलर में फंसा, 150 लोगों की जान जोखिम में फंसी। ग्रेटर नोएडा में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, बिजली ट्रांसफार्मर जलकर राख, लोगों में मची अफरा तफरी। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने 24 करोड़ के ड्रग्स किए बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 हुए फरार। राजस्थान के चूरू में केमिकल से भरा टैंकर पलटा, टैंकर पलटने से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के चतरा में बाइक स्कूटी की आमने सामने टक्कर, 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर तौर पर घायल, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में यात्री बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, कई यात्री घायल, बस का पट्टा टूटने से हुआ हादसा। इंदौर में किन्नरों के 2 पक्षों में विवाद, आपस में चाकूबाजी हो गई, चाकू लगने से गंभीर तौर पर घायल हुआ, इलाज जारी है। मथुरा में ट्रेन हुई हादसे का शिकार, शकूर बस्ती से मथुरा आई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ी, रेलवे अधिकारी जांच से जुटे, हताहत की खबर नहीं। लखीसराय में डैम में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए, 2 बच्चों की मौत हुई, 1 बच्चे को लोगों ने बचाया। यूपी के जालौन में होमगार्ड ने नाबालिग से रेप किया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में पोस्टमैन को डाक देना पड़ा भारी, वकील ने पोस्टमैन के साथ की जमकर मारपीट, डाके ने पुलिस में की शिकायत। श्रीगंगानगर में बदमाश ने नाबालिग को चाकू मारकर उसकी हत्या की, 3 बाइक सवार मौके से फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। चित्तौड़गढ़ में झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने परिवार को लूटा, नशीला हलवा खिलाकर परिवार को किया बेहोश, फिर की लूटपाट। राजस्थान के चुरू में कार सवार युवकों का बाइक सवार के साथ मारपीट करना, बाइक सवार पर सरिये से किया अटैक, युवक अस्पताल में भर्ती। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद एक आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में जमीन पर बैठकर परीक्षा देते दिखे बच्चे, छात्रों का परीक्षा देते हुए वीडियो वायरल। इराक के निनवे में एक मैरिज हॉल में भीषण आग लगी, हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इराक हादसे में अभी और बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा, आग की चपेट में आने से 150 से ज्यादा लोग घायल। इराक के मैरिज हॉल में आग लगने के बाद अफरा तफरी, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे फायर फाइटर्स। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में यूक्रेनी बंदरगाह तबाह, ड्रोन से भी निशाना बना रहे रूसी सैनिक, वीडियो आया सामने। यूक्रेन और रूस में और तेज हुई जंग, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर एक साथ किए कई अटैक्स, यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने जारी किया इसका वीडियो। ओडिशा में रूस के हमले से भारी तबाही, एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। कैलिफोर्निया में बढ़ते अपराध को लेकर सड़क पर उतरे लोग, अपराधियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। आर्मेनियाई और अजरबैजान में तनाव के बाद पलायन करने को मजबूर लोग, नारगोना काराबाख की सड़कों पर लगा लंबा जाम। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को नई जेल में किया गया शिफ्ट, कोर्ट के आदेश के बाद अटक जेल से रावलपिंडी के अदियाला में भेजा। चीन के हुबई में स्काई ट्रेनों की शुरुआत, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी ट्रेन। न्यूयॉर्क में भीषण हादसा, कार चोरी कर भागते वक्त एक्सीडेंट। थाईलैंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बैंकॉक की सड़कें बनी दरिया, मार्केट में भरा कई फीट तक पानी।
मेक्सिको में पिकनिक मना रहे लोगों के बीच आया जंगली भालू, किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान, खाना खाकर वापस जंगल में चला गया। एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत के खाते में आ सकते हैं और पदक। शूटिंग शतरंज में आज मेडल ला सकते हैं भारतीय खिलाड़ी। वुशु में भारत के रोहित जाधव लगा सकते हैं गोल्डन ताव। Z News.